तो आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। काफी अहम दिन है, सत्र का आगाज हो उससे पहले ही दिन सरकार कृषि कानून वापसी बिल ला रही है। विपक्ष मोर्चा जमाए बैठा है, सरकार को घेरने की तैयारी है। आज संसद में क्या होगा इस पर सबकी नजरें बनी हुई, हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष लामबंद है। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज की पांच बड़ी खबरें क्या क्या है। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत होने के आसार हैं। कृषि कानून वापसी पर सरकार और विपक्ष साथ साथ है, लेकिन एमएसपी कानून को लेकर ठनी हुई है। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में ही तेवर दिखा दिए हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी आगे की राह आसान नहीं क्योंकि उनमें भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, लेकिन टीएमसी ने उसमें भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि संसद के हंगामेदार होने के आसार हैं। कृषि कानून वापसी बिल पेश सरकार करेगी, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लामबंद है। कृषि कानून वापसी बिल पर एमएसपी कानून पहले बनाने पर अड़ा है विपक्ष। विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की एक घंटे बाद बैठक शुरू होनी है, यानी कि लगभग 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। टीएमसी हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं होगी। सब मुद्दों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, अब तो चाहते हैं पर सरकार कहां कराना चाहती है। यहां पर यह हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। सियासतदानों का गुस्सा उस महाभारत का संकेत है जो संसद के शीतकालीन सत्र में दिखने की उम्मीद है। शीतकालीन सत्र शुरू होने ही वाला है, देश की सबसे बड़ी पंचायत फिर से बैठने वाली है। उससे पहले ही विपक्ष तेवर दिखा चुका है। विपक्षी खेमे में मुद्दों की भरमार है। विपक्ष के पास सबसे अहम मुद्दा किसानों का है। उनकी मांगों को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। ऐसे में शीतकालीन सत्र का आगाज शोर नारेबाजी के साथ होने की पूरी संभावना है। जिन मुद्दों पर विपक्ष मोर्चाबंदी करने की ठान चुका है उनमें किसानों की वो 6 मांगे शामिल हैं जिसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। खासकर एमएसपी को कानून बनाने की मांग पर विपक्ष तेवर दिखाने को तैयार है। विपक्ष के पास महंगाई का मुद्दा है, विरोधी बेरोजगारी को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। वहीं पेगासस जासूसी कांड और एलएसी पर चीन की गुस्ताखी जैसे मुद्दों ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। सरकार के सामने सत्र को सुचारू रूप से चलाने की चुनौती है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। साफ है कि संसद के दोनों सदनों में तकरार टलेगा नहीं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने साल भर से जारी किसान आंदोलन को देखते हुए चंद रोज पहले 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। तब से विपक्ष फ्रंट फुट पर है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से विपक्ष को मौका मिल गया है। किसानों के समर्थन की बात कहकर विपक्षी पार्टियां लगातार दबाव बना रही हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है कि किसी तरह से विपक्षी खेमे को मनाया जाए, मुद्दों पर बात की जाए और शीत सत्र को सफल बनाया जाए। इसके लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन विपक्ष ने वहां भी अपने तेवर दिखाए। इससे पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार करके भी विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अपनी भविष्य की रणनीति का इशारा कर दिया था। सरकार हमेशा इस बात के पक्ष में रही है कि डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से संसद के अंदर डिसीजंस होने चाहिए, और विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं तो निश्चित विपक्ष भी, इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को नोटिसेस देते हैं और किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत चर्चा होनी चाहिए, किस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चेयर डिसाइड करती है। हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हम सब मिलके एकजुट होके जो कॉमन मुद्दे हैं, जो देश के इंटरेस्ट में, जनता के इंटरेस्ट में हम मिलके कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको जुटाने की कोशिश करेंगे। आज संसद के शीतकालीन सत्र से पहले
रविवार को दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। शाम 4 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की मीटिंग चली। शाम 5:30 बजे राज्यसभा के फ्लोर नेताओं ने चर्चा की और अब आज सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को बातचीत का न्योता भेजा है। लेकिन विपक्ष में फूट ही सरकार के लिए सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस की बुलाई बैठक में आने से टीएमसी ने साफ साफ मना कर दिया है। वहीं कल हुई सर्वदलीय बैठक का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। आपकी नाराजगी जितनी सरकार से है उतनी ही अन्य विरोधी दलों से। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। इन सब के बीच आज सबकी नजरें तीनों कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल पर है। लोकसभा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसे पेश करेंगे। शीतकालीन सत्र में सरकार ने 36 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं जिसे पेश किया जाएगा। अब आज सभी की नजरें पीएम मोदी और उनके मास्टर स्ट्रोक की ओर हैं। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।